की डीएम नेहा शर्मा रियलिटी टेस्ट में पास रही। जी हां, 9 से 11 के जो आदेश है शासन के, जिलाधिकारी को बैठना चाहिए था, उस आदेश के कंप्लायंट में जिलाधिकारी नेहा शर्मा अपने कार्यालय में मौजूद रही। पेश है ये रिपोर्ट। रियलिटी टेस्ट करते हुए हम जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं। फिरोजाबाद की जिलाधिकारी नेहा शर्मा 9 से 5 के बीच में 9:05 पर मौजूद दिखी हैं और जनता को सुन रही हैं। लोगों से बात करने के बाद भी लोगों ने बताया कि डीएम साहब ने उनको सुना है, सही टाइम पे बैठी हैं और उनको सेटिस्फाई किया है। ऐसे ही अगर सारे अधिकारी जिला स्तर के इस तरह की पहल पर आ जाएँ तो लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है और योगी सरकार के जो फरमान हैं उस पर भी एक अच्छी सकारात्मक मोहर लग सकती है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा अपने कार्यालय में मौजूद पाई गई। जी हाँ, रियलिटी टेस्ट के बाद यह साफ हुआ है कि जिलाधिकारी भी जनता की समस्याओं को अच्छे स्तर पर सुन रही हैं। लोग उनकी समस्या लेके जाते हैं, जिलाधिकारी स्तर की समस्याएं होती हैं उनको लेके जाते हैं और लोगों को उसी अनुसार रेस्पॉन्स भी मिलता है, उनको समाधान भी किया जाता है। ऐसा हम नहीं, फरियादी खुद बता रहे हैं। रियलिटी टेस्ट के दौरान जिलाधिकारी अपने कार्यालय में जनता की समस्या को सुनते मिली और जो लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे उनके प्रकरण में किस तरह की कार्रवाई की, ऐसी बातचीत भी हमने लोगों से की। लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा जिलाधिकारी अपने कार्यालय में जनता की समस्या सुनती हैं, जनता को समय देती हैं और जिस तरह शासन की मंशा है, जो एक वेतन जिलाधिकारी को मिलता है उसके अनुरूप वह काम। कौन से गाँव से आए? ब्रकनारे से। अच्छा, डीएम यहाँ मिली आपको? हाँ मिली। 9 बजे बैठ गई थी? हाँ, 9 बजे बैठ गई, 9:20 पे बैठ गई। सुनवाई हुई आपकी? सही। हाँ, उम्मीद है न्याय मिलेगा? अब उम्मीद तो चकबंदी वाले जाने क्या करें भाई। आपको संतुष्टि मिली आज? यहाँ तो संतुष्टि मिली है। देखिए, मैं यहाँ पर डीएम साहब बड़ी राइट टाइम यहाँ पर बैठती हैं, बहुत ही अच्छी अधिकारी हैं और करेक्ट 9:01 पर वो यहाँ पर बैठ गई थी और जनता की समस्याएं वो सुन रही थी। मैं भी उनसे एक इनविटेशन लेके आया था और उन्होंने मुझे अभी स्वीकृति के लिए कहा है और बहुत ही जनता को बराबर वो देख रही हैं और उनकी समस्याओं का हल भी कर रही हैं। मैंने देखा ऐसी पहली अधिकारी हैं जिन्होंने वो टाइम राइट टू टाइम आती हैं और जनता की सेवा में निरंतर लगी हुई हैं। और जगह देखा गया अधिकारी नहीं थे, क्या मानते हैं सबको बैठना चाहिए था? इस तरह से फरियादियों की समस्या नहीं, बिल्कुल इसमें शासन के जो निर्देश प्राप्त हैं कि हम लोगों को 9 बजे यहाँ पर बैठकर 9 से 11 के बीच में जनसुनवाई करना है, जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका तदनुरूप अच्छी तरह से निस्तारण होना है, तो निश्चित तौर पे जो शासन के आदेश हैं उनके निर्देशों के क्रम में हम लोग यहाँ बैठते हैं और जनसुनवाई सुनिश्चित करते हैं। जहाँ पर जैसा कि आपका कहना है कि कई ऑफिसेज में लोग नहीं भी मिले हैं, तो ये रैंडमली हम लोग चेक भी कराते रहते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी इस पर सख्ती बरती जाती है, तो अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो आई विल टेक केयर कि वहाँ पे एक्शन हो, स्ट्रिक्ट एक्शन। एक बात आती है, अधिकारी कहते हैं 9 बजे पब्लिक नहीं आती, आप डेली सुनती हैं, लगती है पब्लिक आती है बराबर? नहीं, पब्लिक तो बिल्कुल आती है, पब्लिक को सबको पता है, आप खुद देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सबको जानकारी हो गई है कि 9 से 11 के बीच में, और गर्मी के दिन है तो 9 बजे का टाइम तो कोई बहुत लेट टाइम भी नहीं है।